इन वचनों के द्वारा आप हमें सिखाइए सत्य। और आज की सुबह के वचनों में लिखा था कि सत्य हमें मुक्ति करता है, तो ये समय है, हमने हमारे हृदय को खोल दिया है, अपने कानों को खोल दिया है, अपने मन को खोल दिया है, अपने वचनों से समझा दे प्रभु, ताकि ये समझ हमें मुक्ति देता है, आज़ाद करता है और आपके साथ रिश्ता और गहराई से जोड़ देता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। आप में से कितने लोग ने खाना खाया? हेलो, सब लोग ने खाना खाया। अच्छा, अभी आप लोग सब लोग ने खाना खाया, पेट के अंदर है, अभी काम कौन कर रहा है? आप काम कर रहे हैं कि आपका पेट काम पे लगा है? तो ये पेट अभी किस काम पर लगा है? ये जो खाना खाया था, आलू खाया था, अंडा खाया था, चावल खाया था, दाल खाया था, भाजी खाया था, ये सब अंदर गया, मिक्स हो गया, अब ये पेट इसके ऊपर काम कर रहा है, इस अनाज को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? कैलोरीज में। हिंदी में क्या बोलते हैं कैलोरीज को? एनर्जी में। जिस तरह पेट खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी तरह जब हम प्रभु के शब्द को सुनते हैं अपने कानों से, तो हम पवित्र खाना या आत्मिक खाना खाते हैं। तो असली खाना जो भोजन होता है हमारा, वो किससे खाते हैं? मुंह से। आत्मिक खाना किससे खाते हैं? कान से। इसके लिए प्रभु यीशु हमेशा पूछता था, जिनके पास है कान, जिसके पास है कान, जिसके पास है कान। उन दिनों में लोगों के पास कान नहीं थे, आजकल के लोगों के पास कान नहीं था, उस समय कान था। सुनना मतलब क्या है? जिसके पास कान है तो सुनो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? आपके पास कान है, ध्यान से सुनना, नहीं, जिसके पास कान है सुनो, उसका मतलब क्या है? हाँ, सब लोग मिलके सुनो। जब प्रभु यीशु बोलते हैं जिनके पास है कान सुनो, उसका मतलब यह है जो सुना है उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करो, क्योंकि जो भी सुनता है और जो भी सुना है उसको इस्तेमाल नहीं करता है, उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अभी हम कान से क्या सुन रहे हैं? प्रभु के वचन। तो ये जो हमारा हृदय है, इसमें ये वचन घुसता है। अब ये हमारा आत्मा इस वचन को क्या करता है? जैसा पेट हमारा खाना को डाइजेस्ट करता है, उसी तरह हमारा आत्मा इस भोजन को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट करता है उसको विश्वास। ऐसा लगता है कि मैं 3 महीने से खाना नहीं खाया है, क्यों नहीं लगता है? बट्टू, मैं तेरे से बात कर रहा, पेट के तरफ भी देख रहा, मैं तेरे से बात कर रहा, तो मेरा पेट के तरफ देख रहा। मैंने कहा 3 महीने से मैं खाना नहीं खाया है, ये मेरे पेट के उधर देख रहा है, क्योंकि मेरा पेट को देख के क्या पता चलता है? ये रोज खाता है और जमशेदपुर के पास आने के बाद कुछ ज्यादा ही रोटी खाता है, बराबर है? उसी तरह क्या मैं एक व्यक्ति को देखकर बोल सकता हूँ ये आत्मिक खाना खाता है कि नहीं खाता है? अगर मेरे को देख के आप बोल सकते हैं ये खाना बराबर का खा रहा है, क्योंकि मेरा शरीर को देख रहा है, मजबूत है, उसी तरह मैं जब लोगों को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ये आत्मिक खाना खाता है कि नहीं खाता है। क्योंकि जो आत्मिक खाना खाता है तो आत्मा क्या करता है? वो वचन को डाइजेस्ट करता है। और वचन में क्या है? प्रभु यीशु ने कहा मेरा शब्द जीवित और
आत्मा, बोला ना, तो ये जीवित और आत्मा वाला शब्द जब मैं खाता हूँ मेरे कानों से, तो मेरा आत्मा उस शब्द को क्या करता है, किसमें बदलता है, विश्वास में। तो जब मेरा विश्वास में बदल गया तो कोई घुटना तो कोई घुटने का दर्द होता है तो ये कहेगा मेरे लिए प्रार्थना कर, कि कहेगा मेरा घुटना चंगा हो गया, मेरा घुटना चंगा हो गया, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अरे अभी जब ये ऐसी बोलती है तो इनका आत्मा तंदुरुस्त है कि बहुत कमजोर है, कमजोर क्यों है, क्योंकि खाना खिलाया नहीं है, आज ही सवेरे खिलाया था वो भूल गया, कौन सा याद है, मेरे लिए प्रार्थना करना, ये कब से सीखा है, बचपन से सीखा है, जितना भी वचन समझा है लेकिन वो आदत नहीं गई है। हम आपके घुटने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या हम सब मिलके इनके घुटने के लिए प्रार्थना करेंगे, देखो सब आपके आदमी लोग क्या बोलते हैं, नहीं करेंगे, तो क्या कहेंगे, इनका घुटना में दर्द है कि इनका घुटना चंगा हो गया है। तो जब जब हम वचन पढ़ते हैं जो कमजोर है वो बोले मैं बलवंत हूं, ये जब बार बार बोलता है तो क्या करता है, वो शब्द को खाता है, किससे खाता है, कान से, कैसे खाता है, अपने शब्द जोर से बोलता है, कान सुनता है, तो आत्मा क्या करता है, उस वचन को लेकर विश्वास में बदल देता है, जब विश्वास बढ़ते जाता है तो क्या होता है, आत्मा विश्वास, है ना, आपकी हिंदी में आत्मा विश्वास, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ना, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अवश्य वो कॉन्फिडेंस कार्य करता है, उदाहरण मेरे में कॉन्फिडेंस था वो चंगी हो जाएगी, हाँ ना, इसके लिए उनको बुलाया मैंने, उनको पूछा उनकी बीमारी क्या है, नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि कोई भी बीमारी हो ये शब्द उसे खत्म कर देता है। ये हमारी क्या है, कॉन्फिडेंस है, कहाँ से आई, वचन को रोज कान से खा खा के कैसे खाता है, सुन के, तो जितना वचन में बार बार खाता हूँ, बोलता हूँ खुद को, तो क्या होता है, विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद होता है मैनिफेस्टेशन। एक ऐसी गवाही है, ये भाई कन्याकुमारी का है, बिस्तुपुर इनका है, जो इंडिया का लास्ट है ना किनारा वहाँ का, तो हमारे अभी जमशेदपुर में हमारा लाइव नहीं जा रहा है, इंटरनेट होएगा ना, यहाँ से जो भी प्रवचन कर रहा है दुनिया के हर कोने में जाता है इस कैमरा से, तो हमारा ऐसा प्रवचन चल रहा था और इसको किसी ने यूट्यूब पे लिंक भेज दिया, और इस भाई को बोन मैरो कैंसर हुआ है लास्ट स्टेज, इनके हड्डी में इतना खराबी है कि इसके खोपड़ी में खट्टा हो गया है हड्डी में, कि एक रुपया का सिक्का घुस सकता है, और उसका इलाज नहीं है, और डॉक्टर ने कहा ये तेरी लास्ट कीमो है, इसके बाद कोई भी कीमो नहीं कर सकता, ये सबसे खतरनाक है, आज के बाद तेरे अंदर सब जल जाएगा और तू खाना कभी खा नहीं पाएगा, तेरे पेशाब में खून निकलेगा, खाना खाएगा तो उल्टी होएगा उसमें खून निकलेगा, टॉयलेट जाएगा तो खून निकलेगा, तो ये आदमी अपनी मौत के लिए तैयार हो रहा है। उस समय उसको ये किसी ने लिख भेज दिया और उसने उस दिन सुना, जो कमजोर है वो बोले मैं हूँ बलवंत, जो बीमार है वो बोले मैं हूँ चंगा, जो गरीब है वो बोले मैं हूँ अमीर, जो बंधन में है वो बोले मैं आज़ाद,
और ये क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये सब क्रूस पर अपना जीवित देकर ये हमारे लिए खरीदा है। हालेलुया। तो जब उसने ये सुना, उसने फैसला किया ऐसे भी तो मैं मरने वाला हूँ, तो तीन घंटा, अभी जब मैं चार घंटे का कीमो होता है, तीन घंटा बाकी था, बोला अभी मैं तीन घंटा एक ही बात बोलूँगा, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं हूँ चंगा, मैं हूँ बलवंत, आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम अनॉइंटेड, आई एम ब्लेस्ड, आई हैव द फेवर ऑफ गॉड ऑन मी। मैं जो भी चाहता है वो बोलते गया, तीन घंटा लगातार बोलते गया, रुका नहीं। तो उसको पेशाब आई, पेशाब किया तो खून नहीं निकल रहा, तो उसने तुरंत अपने घर पे फोन लगाया, बोला खाना ले जाओ। तो लोग बोला तू खाना नहीं खा सकता है, वो बोला खाना ले जाओ। तो खाना ले गया, तो बैठ के खाना खाने लगा, बोला मैं खाना खाऊंगा और मेरा शरीर इसको पचाएगा, और उसने खाना खाया। टॉयलेट गया, खून नहीं निकल रहा है, उल्टी नहीं हो रही है। तो जब डॉक्टर राउंड मारने आया शाम को, उसने देखा ये आदमी बहुत मस्त में बैठा है, तो उसको पूछा तू सब लोग एकदम ठंडे हो गए कीमो लेके, तू इतना मस्त कैसा है? और बोला मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। तो डॉक्टर ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया। बोला डॉक्टर मेरा दिमाग आज तक खराब था, आज भूल गया है, मुझे सत्य मालूम पड़ा है, मैंने पूरा मेरा खाना खाया। डॉक्टर बोला इम्पॉसिबल। उसने बोला मैं झूठ नहीं बोलते, ये रहा सामने डब्बा, पूरा का पूरा डब्बा खाली किया है, और ये जो अंदर गया ना पूरा पच गया है। उसको जब डिस्चार्ज मिला कन्याकुमारी से गोवा तक, वो खुद ड्राइविंग करके आया और मेरे को मिलने आया। बोला मैंने तुमको यूट्यूब पे देखा, मैं तुमको बोलने आया और ये सब करने आया, और छः महीने के बाद वो आया, उसका कैंसर मिट गया था। तो जब मैंने उसको देखा, उसका इधर भी बाल नहीं, किधर भी बाल नहीं, तो मैं बोला तेरा बाल क्या हुआ? बोलता वो कीमो का इफेक्ट है। मैंने बोला वो कीमो का इफेक्ट है, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है मार्क 6:16 में, अगर तुम झेर भी पियोगे मेरे नाम से, और झेर पे भी, और झेर को भी तुम्हारे शरीर में कोई असर नहीं होगा। तो उसने बोला ये तो मेरे को मालूम नहीं था, मैंने लिखा है क्या? मैंने उसको दिखाया, बोला आज से मैं यही शब्द बोलेगा। क्या बोलेगा? कीमो का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, असर नहीं है, मेरा शरीर वापस मजबूत है। वो बोलते गया, आठवें दिन उसकी दाढ़ी आ गई। वो अभी क्या कर रहा था? प्रभु के वचनों के अनुसार बोल रहा था कि प्रार्थना कर रहा था। हमारी प्रार्थना कैसी रहती है? वचनों के अनुसार होता है कि कैसे जैसा मांगते हो वैसा बोलने का। अगर मान लीजिए आपको एक टिकट दिया गया वर्ल्ड टूर का, और आप लोग सब प्लेन में चढ़ गए, और वो भी फ्री है, सब लोग बैठ गए, पट्टा पिट्टा मारा है, और पायलट ने ऐसा कहा आज मैं प्लेन उड़ाने वाला हूँ, लेकिन गेज के अनुसार नहीं, मेरे भावना के हिसाब से चला। जिसको इस प्लेन में बैठना है बैठ सकता है, जिसको जाना है जा सकता है, लेकिन जो बैठेगा उसको चार टिकट और मिलेगा। आप में से कोई बैठेगा? वो गेट से नहीं चलाया, उसका महसूस से चलाए। बैठना है कि गेट से चलाएगा? हमारी जिंदगी हम कैसे चलाते? भावना से चलाते कि गेट से चलाते? और जब भावना से चलते प्लेन चला सकते क्या भावना से? उसी तरह हमारी जिंदगी को हमको वचनों से चलाना है कि अपने भावनाओं से चलाना है? हमारी जिंदगी चलती कैसी है? वी लाइक टू सिट इन अ फ्लाइट विद अ फ्लाइट सीट एंड विल टेक अ फ्लाइट ऑन नॉट ऑन ऑल गेजेस ऑफ ओनली ऑन माय इमोशंस। यू नो और कभी कभी बोलते हैं तो इसको कोई लोग किसी के घर पे जाते तो बोलते आई फील गुड वाइब्स ऐसा बोलते ना कोई लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं आपके घर पे आया ना, कुछ अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है, माहौल को एटमॉस्फेयर, मेरे को है ना गुड वाइब्रेशन लग रहा है,
आपके घर में बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन अच्छा है। जो वाइब्रेशन में जीता है उसका सत्यानाश ही होता है, जो वचन में जीता है, क्योंकि वाइब्रेशन अभी आएगा, कल थोड़े देर के बाद बोले ये तेरा वाइब्रेशन नहीं गड़बड़ हो गया, लेकिन वचन कभी हिलता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ए ब्रदर, अभी जब से सुना है ना, आप एक ही चीज सिखा रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। सुना है कभी ऐसा? पॉजिटिव थिंकिंग, जो भी है पॉजिटिव थिंकिंग करने का, बोलने का, हो गया रे। सुना है कि नहीं? क्या बाइबल पॉजिटिव थिंकिंग है? तो एक काम करना, दुबई का टिकट निकालना, पॉजिटिव थिंकिंग में बोलना, मैं दुबई जा रहा हूँ, 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 दुबई जा रहा हूँ, दुबई, 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 दुबई। जब टिकट काउंटर पे जाएगा ना, पॉजिटिव थिंकिंग, और बोले वीजा की तरह पॉजिटिव थिंकिंग में दुबई जा रहा हूँ, होता है? हेलो, होता है? अभी मेरे पास वीजा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मेरे पास वीजा है, मैं पॉजिटिव थिंकिंग करेगा क्या? ये मेरे को जाने मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। जब वीजा है ना, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे को इजाजत देता है जाने के लिए। उसी तरह प्रभु यीशु का जो वचन है ना, वो स्वर्ग जिसने बनाया, धरती जिसने बनाया, उसका डॉक्यूमेंट है, उसके बढ़कर उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है क्या? तो हमारा विश्वास डॉक्यूमेंट पे है कि पॉजिटिव थिंकिंग पे? यार मैं 15 मिनट बात करते, एक सवाल पूछते, हमारा दिमाग। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनको नींद आ रही है जोर से बोलो हालेलुया। मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। क्या बोला मैंने? हालेलुया बोला। उसके पहले क्या बोला? जिनको नींद आ रही है जोर से बोलो। और तुम लोग क्या किया? अच्छा, आज अगर प्रभु ने आपको पूछा आप लोग यहां पे किस लिए आए हैं, आपका जवाब क्या रहेगा? अगर प्रभु ने आपको पूछा आप यहां पे किस लिए आए, किस लिए आए? उठ के खड़ा रहने का जरूरत है किसी को? प्रभु यीशु से बातें करने, बातें करने आए, बातें करने आए। आप किस लिए आए? सुनने को आया है। आप अभी भी सोच रही है किस लिए आए? आप किस लिए आए? वचन सुनने के लिए आप? अरे वाह, सब लोग वचन सुनने आए, सब लोग वचन सुनने आए, उधर ही लफड़ा हो गया। आप किस लिए आए? आप कुछ लेने आए घर यहाँ से लेने जाते? बट्टू भाई आप क्यों आए? हाँ देख, बट्टू बट्टू है ना, क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? मैं आया हूँ, जब वचन सुनता है उससे मुझे पता चलता है मेरा मिस्टेक क्या है, वो करेक्शन करने के लिए मैं आया हूँ। ये क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? मैं आया हूँ प्रभु के वचनों को सुनकर मेरे अंदर जो करेक्शन करना है उसको करेक्शन करने आया हूँ। आप कह के लिए आए? जो जो वचन सुनने आया ना और करेक्शन नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। हेलो, हेलो, है आप जिंदा? जो लोग जिंदा है जोर से बोलो हालेलुया। जो मरे हुए बोलो हालेलुया। थोड़े मरे हुए थोड़े जिंदा, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी मैं सोचता हूँ जब भी तुम हालेलुया बोलेगा ना, जो सोया हुआ रहेगा वो भी बोलेगा हालेलुया। एक दिन मुझे ऐसा करना है, जो कैरिस्मेटिक वाला रहेगा ना
वो अगर मरा हुआ रहेगा उसकी कब्र के पास जाना है, कॉफिन में कान में धीरे से बोलना है हालेलुया, वो वहां से भी बोलेगा हालेलुया। एक बार कोशिश करके देखना है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको क्या करना है, करेक्शन करना है। उदाहरण उदाहरण मैथ्यू 3:1
राज्य निकट, तो स्वर्ग का राज्य किधर है? आ गया है, बराबर है। तो क्या करना है? मन फिराना है, बदलना है, मन बदलना है। कौन बदलेगा? तो गाना में क्या बोलते हैं? गाना में क्या बोलते हैं? आजादी किसको दी है प्रभु ने? हमारी आजादी को हम क्या करते हैं? हमारे हिसाब से चलता है और बोलते हैं प्रभु को, तू बदल दे मेरा। एक दिन मैं भी ऐसे ही गाना गा रहा था वही, तो मेरे को पूछा, अरे मैं बदलने वाला क्या, तू बदलने वाला है? अरे सॉरी, मैं हिंदी आपके जैसी बोलते, मैं बदलने वाला कि आप बदलने वाले हैं? बदलना किसको है यार? लेकिन बोलता किसको है? कितना साल हो गया बोल बोल के थक गए, वो भी बोला अरे थोड़ा प्रार्थना बदल, सच बोल। बदलना किसको है? और सॉन्ग क्या बोलता है? तो इंपॉर्मेंट चेंज यू और यू सब चेंज। तो जब हम वचन सुनते हैं, सुनने के बाद करेक्शन करने का किसका काम है? लिंडा टीचर, आप, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने कुछ रॉन्ग आंसर लिया, लिखा, आप रॉन्ग डालते है कि नहीं डालते है? फिर उधर बोलता है ये बराबर लिखना, बाद में बोलता है पढ़ के आना, फिर मैं बराबर लिख के तो टिक मार्क करता ना, तो मार्क्स मिलता है कि नहीं? लेकिन मैंने वापस रॉन्ग आंसर दिया तो एक ही मार्क मिल गया, वापस रॉन्ग आंसर दिया, 10 साल से रॉन्ग आंसर दे रहा है, फिर बोलते लिंडा टीचर ऐसी है। अभी टीचर का कसूर है कि मेरा रॉन्ग आंसर का कसूर है? अनिका टीचर के ऊपर दोष देते तुम लोग। हालेलुया। तो आप काय के लिए आए हैं सच बताओ? तो मन बदलने के लिए आए हैं। तो अभी कॉन्क्रीट टूट गया पक्का? क्योंकि इतने साल का है ना कॉन्क्रीट। हालेलुया। तो सुनिए, जिनको परमेश्वर का मान कार्य सुपरनेचुरल पावर देखना है या एक्सपीरियंस करना है, तो सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है प्रभु यीशु के वचनों को देखकर सुनकर अपने जीवन में बगैर कोई ज़बरदस्ती के मुझे खुद को करेक्शन करना है। पश्चाताप करना किसी का फोर्स नहीं है। उदाहरण, आपको मानना वो बेटा था जो अपना पिताजी का सब संपत्ति लेके गया, उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों को मालूम है, बराबर है? वो पैसा लेके गया, क्या किया उसने? सब पाप में उड़ा दिया। किधर पहुंच गया? सुअर के। अभी किसका खाना खा रहा था? उसका ये परिस्थिति कैसे आई? शैतान ने किया, उसके पिता ने किया या उसने खुद ने किया? अच्छा, उसका परिस्थिति बदलने के लिए उसको क्या करना था? मन। तो वो उसका मन फिरने लगा, क्या उसको सोचने पड़ा? मेरे पिता के घर में बहुत सारे सेवक हैं, मैं भी इधर सेवक हूँ, लेकिन मेरे पिता के घर के सेवक कैसे हैं? मेरे पिता उनका देखभाल करता है और मैं यहाँ पे है। तो उसने क्या सोचा? भी उधर रहने का कि छोड़ के आने का? तो उसको यू टर्न मारना पड़ा, करेक्शन करना पड़ा। क्या पिता ने उसका कोई जबरदस्ती की? किसी ने जबरदस्ती की? क्या उसका करेक्शन खुद के मन से हुआ? तो जब उसने यू टर्न मारा और एक एक कदम चल रहा था मन फैलाने के बाद, हर कदम उसके चमत्कार, उसके आशीर्वाद के निकट और निकट आते हैं। सही है? उसी तरह हम वचन सुनने आते हैं, करेक्शन नहीं करते हैं, सुनने के बाद वही जीवन जीते,
तो हम निकट और निकट आते हैं कि और भी और दूर जाते हैं? दूर जाते हैं। तो हमारे जिंदगी में एक दिन में कितना लफड़ा होता है? और लफड़ा होने पर हम प्रेम से चलते हैं कि विरोधी करते हैं? तो हम लोग हमारे चमत्कार के निकट जाते हैं कि दूर जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे वो पिता के नजीक था, वो घर के नजीक आया, कौन दौड़ा? उसका पिताजी दौड़ा, गले लगाया, चुम्बन लिया। बास किसका आता रहेगा? बास किसका आता रहेगा बेटे के बदन से? सुअर का। लेकिन पिता ने बोला पहले धोके आना बाद में। अगर हमारे इस संसार में बेटा ऐसा आएगा तो सबसे पहला माँ बाप क्या बोलेगा? क्या लेने आया है? हाँ, देख तेरी हालत तो देख कैसा है, देख। अब बेटा पश्चाताप करके आया है कि गमन से आया है? तो क्या पिता ने उसको स्वीकार किया? क्या उसकी सारी जो कुछ भी उसने गवाही दी, क्या पिता ने उसको वापस लौटा दिया और बाद में उसके लिए एक पार्टी रखा? अभी मान लीजिए आप लोग को सबको दावत के लिए बुलाया गया, आप लोग सब आए हैं और आपने बेटे को देखा नहीं है, तो एक दूसरे को पूछे गए, अरे क्या उसका बेटा है? हाँ बोला है। अरे पायलट बन गया है? हाँ। अरे कोई बोलता है डॉक्टर बन गया है, क्या बात। और कोई बोलता है अरे इंजीनियर बन गया है। जब पिता कुछ दावत देता है बेटे के अच्छाई के लिए देता है कि ऐसे? अगर किसी ने पूछा उसके पिता को आज पार्टी है, हाँ, क्या बेटा आपका इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बना है, पायलट बना है, क्या बना है? भिखारी। भिखारी बनने पर कोई पार्टी देता है क्या? तो इस पिता ने क्यों पार्टी दी? खुशी से भिखारी बन गया है इसके लिए खुशी से। बेटा वापस आया इसके लिए नहीं दिया, बेटे ने अपना मन फिराया इसके लिए दिया। कौन सी बड़ी चमत्कार है, डॉक्टर बनना कि मन फिराना? क्योंकि जब उसका मन फिर गया पूरा स्वर्ग का राज उसका हो गया। हमारा लफड़ा किधर है? वचन सुनने आते हैं, सुनने के बाद पूछता है अरे क्या सुना था? बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा। वो क्या हिंदी बात कर रहा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसा यार, बहुत अच्छा लगा। क्या सुना? अरे बहुत अच्छा था यार। क्या सीखा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या लिखा? लिखने का क्या जरूरत है? आपको तो सुनने आया तो लिखने थोड़ी आया। हम लोग आते क्यों है? कैथलिक लोग सुनने आते हैं और सुनने के बाद सब याद आता है, तो लिखने की कोई जरूरत है? कॉलेज जाता ना ऐसे जाता क्या चोपड़ी उपड़ी लेके आते? लिंडा टीचर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स लोग हैं तो आप सिखाते तभी टेक्स्टबुक लेके जाते, नोटबुक लेके जाते, लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? पैसा ज़्यादा है, किताब खरीदने का, फूल करने का, क्यों लिखते हैं? हाँ। और हम लोग क्रिश्चियन लोग जब चर्च आते हैं हम लोग कभी लिखते क्या? क्योंकि लिखने से क्या फायदा है? क्योंकि हम लोग आए हैं खाली और यहाँ पर सुनने के बाद भाग जाने के बाद किसी ने पूछा क्या पढ़ा था? पढ़ा था कुछ अच्छा पढ़ा था, क्या याद है? कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने मेरा मन मान लिया। किसने से हुआ है मालूम नहीं, लेकिन मन तो घूम गया। कुछ होने वाला ही क्या? अरे और 10 साल जाएगा ऐसा ही रहने वाला। मैं सच बोलता हूँ, मेरे जिंदगी में क्या हुआ, जब मेरा सब टूट गया तो उस वचनों से मेरी बीमारी गायब हो गई। तो मेरे लिए आश्चर्य का बात यह था, मुझे कभी ये मालूम नहीं था कि शब्द में बीमारी का राज कर सकता है।
ये सब डिप्रेशन का नाश कर सकता है। मैं तो साइकेट्रिक पेशेंट था, ये शब्द ने खत्म कर दिया। तो मैंने सोचा अगर ये शब्द उस बीमारी को ठीक कर सकता है तो मेरी गरीबी को भी ठिकाने पर लगा सकता है, मेरे शादी को भी ठिकाने पर लगा सकता है, मेरे जिंदगी का सब कुछ ठिकाने पर लगा सकता है। तो मुझे सिर्फ इस शब्द को लेना है और मेरे मन को इस शब्द के साथ जोड़ना है, बस मुझे दूसरा कुछ नहीं करना है। जिस दिन मेरा मन और ये शब्द एक हो गया, चमत्कार होना शुरुआत होना ही। ये जो है ना, ये जो लाइट है ना, इसमें दो वायर है, एक वायर लगा के देखना कभी लाइट चलेगा, दो वायर लगता है और दोनों वायर का जब लूप होता है तब लाइट जलती है। इसी तरह प्रभु का वचन और उस वचन के साथ मेरा मन फिरना और एग्री करना, उसी में होता है चमत्कार। जब तक वो नहीं होएगा चमत्कार नहीं होगा। हमारे इधर सबसे बड़ी मुसीबत ये है, हम प्रार्थना करने में होशियार है लेकिन हमारी प्रार्थना वचनों के अनुसार नहीं है। आप आ जाइए यहाँ, अरे मेरे को बुला रहे, जाऊँ क्या नहीं, बाकी वाली को पूछते जाऊँ कि नहीं। आपको क्या बीमारी है? बदन में कुछ दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सच्ची में ठीक है, चाहिए सच्ची में कुछ कुछ आप चाहते हो, कुछ कुछ तकलीफ है, शुगर है, तो शुगर की फैक्ट्री तो है ना, मैंने भी लगाई थी 19 की उम्र में, अभी नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गई। आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना फैक्ट्री का, तो बंद गई, मेरी तो फैक्ट्री बंद हो गई, आपको फैक्ट्री चालू रखनी है, तो इसके लिए तो बुलाया था मैंने, फैक्ट्री चालू रखना है बंद करना है, सुना? इनकी शक्कर की फैक्ट्री है, कितना है डायबिटीज? अच्छा प्रेस का, अभी इनको डायबिटीज से क्या मांगता है, छुटकारा मांगता है। बैठ इधर बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ, बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे, बैठिए, वही समझाता हूँ मेरा कैसे छूट गया। ओके, मेरे अंदर डायबिटीज का जब मैं 19 साल था, ओके, तो जब डॉक्टर ने देखा उसने कहा तेरे पिताजी को है डायबिटीज, तेरा पिताजी लेता है इंसुलिन, तो ये मेरी खानदानी है, मेरे पापा को भी चाहिए, क्या बात है, हम लोग खानदानी वाले, इनके पापा को भी दे, मेरे पापा को भी है, हम लोग खानदानी लोग हैं, जो भी है वो बांट के खाते हैं। तो जब उन्होंने बोला, ये बोला कि है ना, ये तुम्हारा जेनेटिक प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे अंदर रहेगा। 33 साल तक तो मैंने उन पर विश्वास किया। 33वें साल में मेरा नया जन्म हुआ प्रोटेश, ठीक है, और वहां पर मैंने एक शब्द सुना, उसमें मेरे को मिला मेरा इलाज, मेरे मुझे मेरा मन को, ए मेरे मन को, अभी सच बताइए, वचन सुनने के पहले झूठ मत बोलो, आपके डैडी को है इंसुलिन लेते थे, शायद लेते थे या नहीं लेते थे, था आपको वहीं से आया है, परिवार से आया ना, आया ना, है ना, अभी 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 आपको डॉक्टर ने क्या बोला, एक बार डायबिटीज तो जिंदगी भर दवा खाना, बोला है ना, बोला है ना, बोला है ना, मेरे को भी बोला, शायद हम लोग का डॉक्टर एक ही था, टैबलेट नहीं लेगा तो इंसुलिन लेना पड़ेगा, बोला है ना, सुना, मैंने भी सुना, ऐसे ही था। अब 1 Peter 1:23 खोलो, बटुक तुम पढ़ना और बाद में मैं आपको पूछता हूँ, और मैं ये भी वादा करता हूँ, ये वचन सुनने के बाद जब आप मन मन क्या मन घुमाना मन फिरा देगा तो डायबिटीज गायब हो जाएगा।
अभी अभी पहला वचन पढ़ेंगे सुनेंगे बाद में आपका 1 Peter 1:23 अभी डायबिटीज क्या है इसके लिए सब लोग को वचन मांगता है बाकी सब वचन के लिए कोई पूछता नहीं अच्छा मेरे पास एक वचन है जिससे बाल जड़े ले वापस आता है आप किसी को नहीं मांगते जाते आपका जन्म जूना है कि नया है नया है जूना में नहीं क्या जूना जन्म है और नया जन्म है ना जूना जन्म है ना अभी अभी नया है नया का ऑपोजिट क्या होता है पुराना पुरा अच्छा अच्छा पुराना पुरा, आपका पुराना जन्म है कि नया है पुराना जन्म है कि नया जन्म है नया है अभी इनको ही मालूम है इनका जन्म कैसा है ए वापस पट्टू तीज का प्रॉब्लम तुम्हारा है यार उन्होंने बराबर सुना नहीं क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवन और सदा के जीवन के वचन द्वारा नया जन्म पाया नया जन्म देखा अभी कैसा बराबर पड़ा उसका जवाब देखिए कितना फर्स्ट क्लास दिया आपका कसूर नहीं इसका कसूर अच्छा अभी आपका नया जन्म है आपका पुराना जन्म कैसे हुआ था उस समय बीमारी सोच रहे थे आपका जन्म कैसे हुआ है आपको बच्चा है जी कैसा बच्चा मिला अरे आपके पास बच्चे हैं ना हाँ जी तो आपकी बीज आपके पति की बीज दोनों का जब जॉइंट हुआ तब बच्चा हुआ बराबर है तो आपका पति परफेक्ट है क्या नहीं आप परफेक्ट है क्या नहीं तो आपका बच्चा परफेक्ट है क्या नहीं परफेक्ट को क्या बोलता है सही सही देखिए हम सब के अंदर खामी है कहाँ से आया आदम से आया तो जो भी बच्चा पैदा होता है वो एकदम परफेक्ट होता है कि इम्परफेक्ट होता है तो जब आपके अंदर डायबिटीज आया वो या तो पिता से आया या तो माता से आया लेकिन आया ओके अब जब आपका नया जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन हो गया बीज जैसा माता का बीज और एक बीज मांगता है ना पवित्र आत्मा का बीज तो वचन और पवित्र आत्मा ने जब आपको उसका ज्ञान दिया तब आपका नया जन्म हुआ अभी आपका जो अर्थली संसारी पिता है वो इम्परफेक्ट लेकिन आपका नया जन्म वाला पिता खुदा है वो परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है तो आपके पिता में डायबिटीज था इसके लिए है लेकिन आपका नया जन्म क्या से हुआ है आपके माँ के कोख से या पिता के कोख से यही मालूम है आपका जब जन्म हुआ आपके माँ के कोख से लेकिन अब ये वचन सुनने के बाद आपका पवित्र आत्मा आने के बाद आपका जन्म अभी माँ के कोख से हुआ है कि पिता के कोख से हुआ है पिता के कोख से तो अभी प्रश्न ये है क्या स्वर्गीय पिता के पास डायबिटीज है नहीं। तो अगर उनके पास डायबिटीज नहीं है तो आपके पास डायबिटीज होना है नहीं। बस ऐसा ही है
तो मैं सोच रहा था ये जब वचन आए तो मैं बोला मेरे डैडी से तो मेरे को मिला, लेकिन अब मेरा जन्म मेरे माँ के कोख से नहीं हुआ है, अब तो मेरा नया जन्म हुआ है जो मेरे स्वर्गीय पिता के हैं। और मैं 100% श्योर है स्वर्गीय पिता को डायबिटीज नहीं है, और अगर उनको डायबिटीज नहीं है तो मेरे अंदर का सब जेनेटिक मिस्टेक प्रॉब्लम जो है वो मिट गया है, क्योंकि मैं अब नए जन्म में आया हूँ और इस नए जन्म में मेरे पैंक्रियास मेरे हर एक ऑर्गन्स सही चल रहे, अभी मेरे को डायबिटीज नहीं है। कहाँ से बदला? मन फिराया तो बदल गया। मन फिराना किस पे है? अपने पे। लेकिन किस पर? परमेश्वर के वचन। समझ में आया? मोबाइल का रिकॉर्डिंग सुनते तो कर लेना, क्योंकि यही प्रार्थना आपके काम में आएगी। है मोबाइल रिकॉर्डिंग कर सकता है? ओप्पो नहीं आपकी है ना? एक ही कंपनी के मॉडल अलग है, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल अलग है। आप पुरानी मॉडल है कि वो पुरानी मॉडल? मैं पुरानी। आप पुरानी है वो नई मॉडल है? मोबाइल उसके पास है? मेरे मोबाइल और उसका मोबाइल इसके पास। कितना सही है यार, जो नया नया मॉडल है ना वो लोगों के पास मोबाइल रहता है, पुराने मॉडल वाले का मोबाइल नहीं रहता। इतना बड़ा आपका मोबाइल है? रिकॉर्डिंग जरा कर दे बटुक, जरा तेरे पास मोबाइल है तो तेरे मोबाइल नहीं है, जरा इसको जरा लगा के दे। क्योंकि क्या है ना मेरी बहन, क्योंकि क्या है ना रिकॉर्डिंग मिला, क्योंकि क्या है ये रिकॉर्डिंग होएगा ना उसको खान में लगाना रोज और सुनते जाना, तो क्या है ये क्या है बीज है, इस बीज में क्या है पावर है, ये जितना सुनेगा तो आप क्या खा रहे हैं अभी आत्मिक भोजन, ये आत्मिक भोजन आपके हृदय में क्या करेगा आत्मा क्या करेगा विश्वास में बदल देगा, जब विश्वास बढ़ेगा तो ये मन, तो मन पर घूम गया तो पैंक्रियास बराबर हो जाएगा। समझ में आया? आपको लगता रहेगा मैं जोक कर रहा, नहीं, मेरा जिंदगी इसी से बदली हो गया है रिकॉर्डिंग कर करके, रिकॉर्डिंग करने का कान में लगा के सुनने का। आंखों को बंद करो, मैं देता हूँ शब्द, बोलिए ए प्रभु यीशु, ए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आज पहली बार मुझे समझ में आया, आज पहली बार मुझे समझ में आया, मैं वचन सुनने नहीं आई हूँ, मैं वचन सुनने नहीं आई हूँ बल्कि वचन सुनकर मेरे मन को फिराने आई हूँ, मेरे मन को मैं फिराने आई हूँ, क्योंकि स्वर्गीय राज्य उसी का है जो मन फिराते हैं ए स्वर्गीय पिता मैं नहीं जानती थी कि डायबिटीज का इलाज है क्योंकि डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज के लिए कोई इलाज नहीं लेकिन ये भाई बोल रहे थे कि उनके खुद के जीवन में 19 की उम्र में उनको डायबिटीज था उनके पिता के द्वारा और उसने जिस दिन 33 की उम्र में ये वचन पढ़ा कि उसका नया जन्म हुआ है आपके वचनों से आपके आत्मा से वो तुरंत कहने लगा मेरा अभी जन्म मेरे माँ के कोख से नहीं हुआ जो भी डिफेक्ट था वो खत्म हो गया है क्योंकि मेरा जन्म अब स्वर्गीय पिता से हुआ है स्वर्गीय पिता आपके पास कोई बीमारी नहीं है और मैं आप से जिंदा हुआ हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन्स
इस वक्त सही काम कर रहे हैं, सही काम कर मेरे पैनक्रियास इंसुलिन सही निकाल रहा है और शुगर का लेवल बिल्कुल लेवल में आ गया है, नॉर्मल हुआ है। ये मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने आपके वचनों के अनुसार मेरा मन फिराया है। आज से मैं ऐलान करता हूँ मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे शरीर की सारी बीमारी का नाश हो चुका है वचनों के अनुसार हे प्रभु यीशु आपके घावों से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और ये मेरा ऐलान है ये श्राप इसी वक्त टूट गया है मेरे बच्चों में डायबिटीज ये बीमारी कभी नहीं आएगी प्रभु यीशु के नाम से आमेन। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, अभी जब मैं छू रहा हूँ, वही आत्मा आपको छू रहा है और वही आत्मा आपसे प्रेम कर रहा है और कह रहा है, जो आत्मा ने मुझे मुक्ति दी है वही आत्मा आपको मुक्ति दे। आपका रिपोर्ट सब चेंज हो गया, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग लिया ना, इसको रोज़ सुना। दूसरा, जिस दिन आपका रिपोर्ट सही हुआ ना, और रिपोर्ट देना, ये रिकॉर्डिंग लेके दूसरों को भी देना, वादा। जब हम अगले साल मिलेंगे तब आप आके बोलेंगे, ब्रदर ये डायबिटीज़ की बीमारी को हम लोग ऐसा बैठ में जाते हैं। हालेलुया। देखा, पहला कस्टमर मिल गया आपको पीछे। नहीं, मैं कुछ बोला क्या? मैं उनको बोला, आपको पहला कस्टमर तो मिल गया। किसी को वर्टिगो है? वर्टिगो चक्कर आता है, चक्कर वर्टिगो। यहाँ पर कोई है जिसको वर्टिगो है? जब खड़ा रहता तभी सब घूमता है, चक्कर आता है। इधर 100% है। किसको है वर्टिगो? हेलो, किसको वर्टिगो है? वर्टिगो है, चक्कर आता है। और कौन है? द लेडी इन वाइट, जॉनी, द लेडी इन वाइट, प्लीज स्टैंड अप। डू यू हैव वर्टिगो? द लेडी इन वाइट, यू डोंट हैव वर्टिगो? चक्कर आता है? मेरा नहीं, प्रभु, मैं आपके जैसे ही हूँ, मेरे और आप में कोई फर्क नहीं। व्हाट यू गो, सो व्हाट व्हाट यू गो, सॉरी, This is your mommy. क्या हुआ है? सब कैमरा में आ रहा है, हाथ भी बड़ा कर रहा है। लेकिन उसको वो बोलती है, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं। किसी को बीमारी से बहुत प्रेम होता है। अब घर पे चलो, मैं बात करता हूँ। आ जाओ ये सब चक्कर वाले वही मैं बोल रहा है।
इतने लोग आ गए, सब कुछ चेक करा था जी है। चलो थोड़ा फिर से ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाओ। हालेलुया। अब इनके अंदर चक्कर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो लिक्विड का इम्बैलेंस है ना, वो बैलेंस इम्बैलेंस होता है, इसके लिए वही बोल। तो अभी इनको बैलेंसिंग करना है, व्हील का बैलेंसिंग होता है ना, आपको चक्कर में आता है। आपका हर एक एक्सप्रेशन वो कैमरा में आ रहा है। जाना है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप यहाँ पे आपको भी चक्कर आता है, आपको भी चक्कर आता है। अच्छा, अभी हमको क्या बोलना है, चक्कर आ रहा है कि चक्कर से हम मुक्त हो गए? अभी आंख बंद करके बोलो, ए स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके वचनों में लिखा है, जब हम आपकी स्तुति करते हैं तो स्तुति के द्वारा चक्कर देने वाला आत्मा, दर्द देने वाला आत्मा हमारे शरीर से भाग जाता है, ऐसे वचनों में लिखा है, आइज़ाया 61 वचन नंबर 3। ए प्रभु, आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ और अभी स्तुति करती हूँ। ये स्तुति करने पर जो भी गड़बड़ है मेरे सिर में, वो सब छूट जाता है इसी वक्त, और मैं चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए। अभी किसी को चक्कर है? अभी किसी को चक्कर है? हल्का हो गया तो मेरा हाथ छोड़ के जाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु को, प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे? क्या हम प्रभु यीशु को तालियों से धन्यवाद देंगे? अब ये जो हो रहा है, ये कैसे इतने आसानी से हो रहा है, सीखना है। अब ये जो चंगाई हुई है, ये इतना आसानी से कैसे होता है, सीखना है क्या? आप लोग कैसे हो? मैं तो ये सोच, मेरा पूरा जमशेदपुर का ट्रिप है ना, सबसे ठंडा ट्रिप ये सेंट मेरी चर्च। मैं इतना ट्रैवल में गया, उधर के लोग चिल्ला के बोले सीखना है। मैं बोला कल सीखेंगे, नहीं आज ही सीखना है। और इधर के लोग सीखना है,
सिखाना है तो सिखा, नहीं सिखाना मत सिखा यार, ऐसा भी क्या करो, जाना है चलो अगले साल सीखेंगे। चलो आप मैं आप लोग गीत गाऊँ बस, हो ही गया वो इतना ही, आप लोगों को तो खाली गीत गाने से मतलब है, सीखने को किसको मतलब है, सीखना है पक्का ओके। एफिशिएंस चैप्टर टू वा से पक्का करना पक्का, और दूसरों को देना है सिखाना है। एक कस्टमर को मिल गया, ऐसे बहुत मिलेंगे। एफिशिएंस 2-8 क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह की से तुम्हारा उद्धार हुआ। बाद में ये पहला सीखने के लिए आधा एक घंटा लग गया। वापस पढ़ना, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह भी से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो कितना लोग विश्वास करते हैं अनुग्रह के भी से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाथ उठाइए। जागे ले हैं, कोई सुना नहीं। अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, इसका हाथ नीचे है क्या? वेरी गुड, अभी आप नीचे रखे। किन लोग विश्वास करते हैं कि तुम्हारा विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है? अरे पहला बोला अनुग्रह, अभी विश्वास के टाइम वो दोनों टाइम हाथ उठाता है। हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने कहा उद्धार से हुआ है वो गलत, जिन्होंने कहा विश्वास से हुआ है वो गलत, दोनों से जो कहता है वो सही है। मेरे विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। अब अनुग्रह का मतलब क्या है? बट टू बाय, मैंने तो आपसे अर्थ पूछा, ट्रांसलेशन में पूछा अनुग्रह का मतलब क्या है, ग्रेस का मतलब क्या है, कृपा का मतलब क्या है, ये तीनों वर्ड एक ही है यार, उसका मतलब क्या है? वो दिन थे मेरे जब टीचर लोग ओरल एग्जाम लेते थे तो हम लोग सब छूट जाते। आज मेरा वक्त है, टीचर लोग ने मेरे को बोल सकता है, अभी एक एक टीचर को चुन चुन के खींचूंगा। एक टीचर है, प्रेज द लॉर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेस? पर व्हाट इज ग्रेस? अच्छा टीचर जो स्टूडेंट फेल होता है तो क्या करता है? ग्रेस मार्क देके पास करता है। अगर मेरे को एक मार्क मांगता, सिर्फ एक मार्क डिस्टिंक्शन के लिए, आप देगी डिस्टिंक्शन के लिए एक मार्क मांगते, देगी नहीं देगी? लेकिन अगर मैं फेल हो रहा है 5 मार्क के लिए, देगी? देगी। तो ग्रेस किसको दिया जाता है जो फेल होता है? ग्रेस उसको नहीं दिया जाता जो पास है, समझ में आया? तो क्या हम सब फेल हुए कि पास हुए हैं जिंदगी में? हम एक स्कूल का एग्जाम का नहीं बात कर रहा, पाप और पवित्र जीवन जीने में हम लोग सब फेल हुए कि पास हुए? तो हम अभी फेल हुए तो हम क्या उनकी अनुग्रह के हकदार हैं कि नहीं है? हकदार है कि नहीं है? पक्का? तो जैसा जैसा शैतान आपको बोलता है तूने ऐसा किया है वैसा किया है, तो आप क्या बोले शैतान को? थैंक यू वेरी मच,
समाचार देने के कारण अब तो मैं 100% श्योर हुआ मैं ग्रेस में हकदार हूँ। हालेलुया। अब ग्रेस का मतलब क्या लिखो इंग्लिश में। अरे वो तो आपको लेके नहीं आए क्योंकि आप लोग का यादगार बहुत अच्छा है और आप लोग बराबर करेक्शन करेंगे। ग्रेस द लॉर्ड लिखिए ग्रेस इज गॉड्स विलिंगनेस। ग्रेस इज गॉड्स विलिंगनेस टू यूज हिज पावर हिज एबिलिटी to use his power, his ability on my behalf, even though I don't deserve it, even though I don't deserve it. Hindi mein kaise hoga? परमेश्वर की इच्छा है कि वह हर पल उसकी शक्ति उसकी काबिलियत मेरे खातिर इस्तेमाल करे जबकि मैं उस शक्ति और काबिलियत का हकदार नहीं हूं। हकदार नहीं हूं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तो जहां कहीं भी अनुग्रह मिलता है और विश्वास आता है दोनों का मिलन होता है तो होता है supernatural manifestation. Hallelujah. 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 इस चर्च में कोई है जिसके दो हाथ हैं? जिन्होंने हाथ उठाया ना अभी मैं प्रूव करेगा तुम्हारे पास हाथ है ही नहीं। क्योंकि आप मैं आपको समझाना चाहता हूं अनुग्रह और विश्वास। बट्टू भाई जरा मार्क 16 खोलना 16 मार्को
अरे लेगा कभी तो मिलेगा कौन सा अच्छा लगता है देना कि लेना देना कि लेना सही में आपकी सोने की चेन बहुत अच्छी है देगी क्या लिंडा बहन आपकी थोड़ी लंबी है देगी क्या लेना अच्छा लगता है लेना लेना अच्छा फादर को पूछना मत कलेक्शन कितना है फादर बेहोश हो जाएगा अगर सुनेगा सब लोग बोलते देना अच्छा करते हैं अच्छा देना दे देना दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा कैसे दो रुपया ना दबा दबा कर और दिया हला और उभरता हुआ तुम्हारी दो रुपया और फिर क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो जिस नाप से तुम नापते हो तो थोड़ा दिया तो कितना मिलेगा ज्यादा दिया तो ज्यादा मल्टीप्लाई होगा बराबर है इसके लिए सेल नहीं इसमें हमेशा लाखों रुपया जमा होता है क्योंकि सब लोग इस वचन पे विश्वास करता है हमारा विश्वास किस पे है तीन पे के 700 पे ये वचन के अनुसार 700 मिलेगा कि तीन मिलेगा तो हमारा विश्वास किस पे है हेलो हमारा विश्वास किस पे है जब प्रभु यीशु विश्वास बोलता है वो कौन से विश्वास के बारे में बात कर रहा है तीन पे कि 700 पे 700 कहाँ से मिला वचनों के अनुसार तीन किस पे मिला आंखों से हमारा विश्वास आंखों पे है कि वचनों पे है आप भी वचनों पर सच सच बोलती है कभी चिंता हुई कभी चिंता हुई अरे आप लोगों ने कभी चिंता किया है क्या जब जब आपने चिंता किया विश्वास किस पे किया है आंखों पर मन पर जो महसूस हो रहा है उस पर कि वचनों पर इधर इधर किसने बोला कौन बोला कौन बोला बोलो बोलो वचनों पर विश्वास वचनों पर ध्यान रहेगा तो विश्वास बढ़ेगा कि चिंता बढ़ेगी हालेलुया तो हम रोज बोलते हैं मुझे प्रभु यीशु पे विश्वास है मैं प्रभु यीशु का विश्वास ही है लेकिन तुम्हारा विश्वास किस पे है तीन पे के 700 पे तीन पे तो तीन पे जो चर्च में आता है वो भी विश्वास करता है सारा संसार उस पर विश्वास है हमारा युद्ध है इस मन को सिखाना वचनों के अनुसार कि मैं विश्वास करूंगा वचन में लिखा है और वचन में लिखा है 700 तो मैं 700 पे ही विश्वास करूंगा हालेलुया 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 अब मार्क 16 पढ़ ओपन पेपर आपने मुझे एकदम ठंडा पानी पीते हुए देखा आप लोग पीते क्या क्यों नहीं पीते क्योंकि आपके दिमाग में मेरे को सर्दी होगी तो जो सोचता है वैसा ही होता है और जो पीता है उसको भी बोलते मत पी रहा सर्दी पकड़ेगी आओ भी होता है हाँ उसको सर्दी पकड़ेगी पर विश्वास करने वाले
हाँ उसी का उद्धार होगा। ठीक है, परंतु जो विश्वास ना करे ओके दोषी कहलाएगा। ओके विश्वास करने वालों में यह चीज होगी। हाँ, प्रार्थना करने वालों में और सवेरे 3 बजे उठ के प्रार्थना करने वालों में बहुत ज्यादा पावर रहे। लिखा है क्या उधर? प्रार्थना लिखा है कि विश्वास क्या? विश्वास कैसे आता है? वचन को, तो हम लोग वचन सुनते ज्यादा कि प्रार्थना ज्यादा करते? जरा बाजू वाले को पूछना, वचन ज्यादा सुनता है कि प्रार्थना ज्यादा करता है? बाजू वाला क्या बोलता है? तो कोई पूछता नहीं, अब बोलेगा इसका मतलब मेरे को प्रार्थना नहीं करना है। जो वचन सुनता है ना वही तुम्हारी प्रार्थना है। अभी इन्होंने वचन सुना, जो किधर गए अमन? अरे लाइट वेट लगा के बैठी है, लगा लगाओ। तो आपने वचन सुना, वचन नहीं कोई बात नहीं, अरे रिकॉर्डिंग करो ना, मैं भी अच्छा दिखेगा। हालेलुया। तो वचन सुनने से कौन आता है? विश्वास आता है। अभी वचन सुना नहीं तो विश्वास आएगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वास, विश्वास करने वालों में यह चीज होगी कि वे मेरे नाम दुष्टात्माओं को नहीं करेंगे। विश्वास करने वालों में क्या होगा? यह चीज होगी, मतलब ये लाइट के सामने जो चलने वाले में क्या चीज रहेगा? ये लाइट के सामने जो चलता है उसके अंदर क्या चीज रहेगा? उसके पीछे परछाई रहेगी। क्यों? क्योंकि जिधर लाइट है पीछे शैडो आएगा। अभी मैं बोल सकते कि वो शैडो को आज छुट्टी कर दे? तो शैडो आना है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कि आएगा ही आएगा। तो उसी तरह जो विश्वास करता है उसके उसके जीवन में एक चीज आने वाला है कि आएगा ही आएगा। हाँ, उसके बाद ओ मेरे नाम से। तो आप में से कितने लोग दुष्ट आत्मा को निकालते हैं? क्या दुष्ट आत्मा को देख के भागते हैं? और लिंडा मैन तो कल रात को बहन आई थी ना, जो भूत बंगला में, ये बहन को लेके आई थी, इनको एड्रेस देना, ये निकालती जाएगी ना भूत बंगले में। हंसना मत, अभी हाथ उठाए ना। हम जो विश्वासी है ये हमारा हक है। क्या करना? दुष्ट आत्मा निकालना। फिर नई नई भाषा बोलेंगे, फिर सांपों को निकालेंगे, फिर प्राणनाशक तो फिर उसके बाद वे बीमारों पर पैर रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे मर जाएंगे। आपके पास हाथ है, रखता है, ये रखता है, आपकी बहन है ना, आप विश्वासी है ना, डायबिटीज के लिए रखा था क्या? क्यों नहीं रखा? हाथ है ही नहीं। अगर आप बच्चा है, अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो आप हाथ रख के बोलता है, प्रभु यीशु आपके नाम से मैं हाथ रख रही हूँ, मेरे बच्चे चंगे हो गए। अरे बात करो यार, एक माँ रोती है अपने बच्चे के लिए, बीमार है, डॉक्टर के पीछे भागती रहती है, डॉक्टर कुछ बोलना कुछ कर।
लेकिन उसके हाथ में है सामर्थ। प्रभु यीशु बोलता है जो मेरा विश्वासी है जब वो हाथ उनके प्रार्थना करता है, हाथ उनके प्रार्थना भी नहीं बोला, प्रार्थना बोला पूरा पूरा पता को बराबर पूरा पता विश्वास करने बराबर पढ़ लिया जो से विश्वास करने वाले जब बीमारों पर हाथ रखते हैं और उधर बोला है कि प्रार्थना कर, हेलो उधर बोला है कि प्रार्थना कर, वो बोला खाली हाथ रख दिया। अभी हाथ ही नहीं है तो क्या रखो, हाथ है तो रखा क्यों नहीं है? आपके पास हाथ है तो कुत्ते पे हाथ रखा था क्या? यहाँ तो हाथ नहीं है, यहाँ तो हाथ है, है तो कुत्ते पे हाथ रखा था, बोला था प्रभु यीशु के नाम से मेरा घुटना ठीक हो गया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है जो भी मेरे पर विश्वास रखता है उसके हाथों में मैंने सामर्थ दिया है। अब ये जो सामर्थ मेरे मेहनत से मिला है कि उनकी कृपा से मिला है, तो उनकी कृपा के अनुसार क्या हम सबको दिया गया है कि कुछ लोगों को दिया गया है? लेकिन क्या सब लोग विश्वास करते हैं कि कुछ लोग विश्वास करते हैं? तो बाकी के लोग के अंदर का कृपा वेस्ट हो गया है कि फायदा में हुआ? तो हमारे जिंदगी में हम कृपा की फायदा लेते हैं कि नुकसान करते हैं? प्रभु यीशु जो क्रूस पे मर गए उन्होंने अपने मेहनत से ये कुछ हासिल किया हमारे लिए, और ये सब कुछ हमको तोहफे के रूप में दिया है। अब प्रश्न ये है क्या हम जो कुछ भी उन्होंने तोहफे के रूप में दिया है उस पर विश्वास करते हैं? जब मैंने ये पहली बार पढ़ा ना शाम के 5 बजे से मैं बहुत रोया, और मैंने कहा प्रभु ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, और मैं रोया और मैंने कहा बहुत थैंक यू जीसस। उधर ऐसा नहीं लिखा है विश्वास करने वाले 10 साल के बाद 15 साल के बाद, ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर मैं अब भी विश्वास करता हूँ और हाथ रखे विश्वास करके हाथ रखता हूँ बीमार लोग चंगे होते हैं, दूसरा 20 साल से चर्च में आता है लेकिन विश्वास नहीं करता, क्या उसको अनुग्रह दिया नहीं है? लेकिन क्या उस अनुग्रह के अनुसार उसने कार्य किया है? क्या पिता का प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम है? लेकिन हमारे प्रार्थना के समय क्या बोलता है, हे पिता तू कुछ कर दे कुछ कर दे, वो बोलता है मेरा करने का काम कम हो बंद हो गया, मैंने सब कुछ जो करना था किया है, अभी जो करना है तुमको करना है। अब ये सुनने के बाद कितने लोग हाथ इस्तेमाल करेंगे? पक्का? और अगर वो चंगा नहीं हुआ तो नहीं, मान लो नहीं हुआ तो, मान लो वो चंगा नहीं हुआ तो बंद करेंगे कि फिर भी रखते जाएंगे? जारी रखते रहेंगे, क्योंकि वो चंगा होने के लिए उसका भी विश्वास का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा काम क्या है, जब भी कोई बीमार मिलता है उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु आपने कहा है कृपा तो मिल गई, उस कृपा के अनुसार मैं मेरा विश्वास बढ़ा रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा कोई है जिसकी हड्डी में तकलीफ है? यहाँ पर कोई है जिसके हड्डी में कुछ तकलीफ है, पीठ में गले में कुछ तो लफड़ा है? तेरी बहन है, सहेली है, कसम है, हर जॉइंट में दर्द होता है,
वेरी गुड। आपको कुछ नहीं होता आपको भाई साहब बहुत साफ से क्योंकि उसके हाथी का अलाइनमेंट है। कितना साल हो गया? बहुत पहले से 80-90-100 30 साल। अरे लंबा 30 साल का है यार, वेरी गुड। आपको 3 साल से पीछे तरफ दर्द करते, कभी दर्द करते फिर अपने आप ठीक हो जाते, फिर कभी ठीक करते। ठीक है, आपके पास 3 कस्टमर हैं, तीनों को ठीक करेंगे? ट्राई करेंगे? तब तो नहीं होगी। उधर लिखा है क्या बटू? उधर लिखा है जो भी ट्राई करेंगे कि विश्वास करेंगे, ये ट्राई करने वाली है। ट्राई करेगी कि विश्वास करेगी? अभी प्रश्न नहीं है, आपके पास सामर्थ है पैसे मांगने? खुद पे विश्वास है कि आप कर सकते हैं? कि वचनों पर विश्वास है? कौन सा वचन पे विश्वास है? कौन सा? उनका तो बहुत सारा वचन है, लेकिन इसमें कौन सा? जो लोग विश्वास करते हैं वे लोग मेरे नाम से धन चंगे, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, बराबर है? उनका हाथ पकड़ना। आँख बंद करना और बोल, हे प्रभु यीशु, ध्यान देके बोल, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के अनुसार आपने मुझे वचनों के द्वारा अनुग्रह दिया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके वचनों पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि आप ही ने कहा है जो कोई आप पर विश्वास करता है वे लोग आपके नाम से बीमार लोगों पर हाथ रखेंगे और वे लोग चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, मैंने आपके वचनों पर विश्वास किया, अनुग्रह स्वीकार किया और इस समय आपकी शक्ति, चंगाई की शक्ति इस भर के शरीर में बह रही है और इनके कान, इनके पैरों के सारा दर्द, सारा ज्वाइंट अलाइन हो गया है और बिल्कुल ठीक गया वो भी। धन्यवाद प्रभु यीशु, ज्वाइंट बिल्कुल आपने ठीक कर दिया है और ये मेरी बहन मुक्त हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमेन। रिपेयर लव है क्या? कितने साल से था? 3 साल से ये तेरी बहन है, आज पहले बार मिली है 3 साल के बाद? कितने महीने के बाद मिलती है? लेकिन हर महीना मिलती है ना, लेकिन इसने ये अनुग्रह को इस्तेमाल किया कि वेस्ट किया? वेस्ट कर रही थी, आज तक यहाँ पे आने के बाद थोड़ा करेक्शन किया। अभी वो इस्तेमाल करेगी ना, और तुम क्या करेगी? हाँ बाजू में है, कर कर। आप बंद करके बोल, ये प्रभु यीशु, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं करेक्शन करने तैयार हूँ। हे प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह हम सबको दिया गया है आपके वचनों के द्वारा। मैं वचन नहीं जानती थी और इसीलिए अनुग्रह
वेस्ट हो गया था। हे प्रभु यीशु, अनुग्रह को वचनों को जानकर आपकी कृपा शक्ति इस समय मेरे हाथों से इस भाई के हाथों में उनके कमर में हो चुकी है। जो भी हड्डी सदक गई थी प्रभु यीशु के नाम से मैं बोल रही हूँ, हड्डियाँ अपने अपने जगह पे चले जाओ इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस बाइक के सारी हड्डियों को आपने अलाइन कर दिया है, इनका नस सब जॉइंट बिल्कुल ठीक हो गया है प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। अभी जरा हिला के बैठिए। साल का लाभ लफड़ा था, इस साल का बिल भी बढ़ा होगा, मांगेंगे क्या मुफ्त में? नहीं मांगना है। अब ये अनुग्रह लेके आप क्या करने वाले? ये है ना बाजू, है ना बाजू, रखना है हाथ, रखना है चंपे, रखना है हाथ, बोलिए। हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर में किस साल की बीमारी थी आपने उसे ठीक कर दिया है, वही सामान जिससे मैं ठीक हो गया हूँ, वही सामान इस भाई के शरीर में बह रहा है और इस भाई को सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हो गया भाई, दर्द हो रहा है क्या? अभी दर्द नहीं हुआ, हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालेलुया। अभी जो भी इनको अनुग्रह मिला, वचनों से मिला कि मेहनत से मिला, ये सामर्थ इनके जो सामर्थ से ये लोग ठीक हो गए, वो मेहनत से मिला कि वचनों पर विश्वास करके मिला? तो आपके जीवन में सब कुछ बदलेगा कब? प्रार्थना करने से कि विश्वास करने से? क्या विश्वास प्रार्थना कार्य करता है कि प्रार्थना विश्वास को कार्य करता है? विश्वास प्रार्थना का कार्य करता है, प्रार्थना विश्वास का कार्य नहीं करता। क्या प्रभु यीशु को तालियों से धन्यवाद देंगे? हालेलुया हालेलुया। आसान है कि कठिन है? प्रॉब्लम यह है, ये इतना आसान है कि हमको लगता है इतना आसान कैसे हो सकता, परमेश्वर ने इसको इतना आसान बनाया, लेकिन हम नहीं जानते हैं इसीलिए हम परेशान होते हैं। उस वायर को अगर जोड़ा बराबर नहीं रहेगा तो लाइट जलेगा, तो हम क्या परेशान हो जाएंगे? जरूर। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस तरह वायर को सही जोड़ते हैं, उसी तरह प्रभु यीशु का वचन को भी आपको हमारे जीवन में जोड़ना है। प्रेस द लॉर्ड। एक सॉन्ग लेना, बाद में हम चालू करेंगे।